ये गई। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और जैसा कि आप देख रहे हो, पीछे झाड़ू पड़ा हुआ है। मैं बस झाड़ू वाड़ू लगा रही थी, मेरे को याद आया कि चलो अपना व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ अभी से। और आज थोड़ा रिलीफ है, सिर में दर्द फिर भी आज है, रहेगा आज के दिन तो। आज रिशु की मेरी थोड़ी ज़्यादा तबीयत ऐसी हो रही है, जुकाम पीक पर है। और हिताक्षी का, पापा जी का तो मोस्टली ठीक हो चुका है। और मैं बताऊं आपको, बच्चे आज स्कूल नहीं गए हैं क्योंकि वो बीमार थे, इसी वजह से दोनों बच्चे फिर मैंने आज घर पर रोक लिए और वो छत पे धूप में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। तो पहले मैं यहाँ से निपटाती हूँ, फिर आपको ऊपर लेके चलूँगी। बच्चे कैसे क्या पढ़ रहे हैं दिखाती हूँ। एक्चुअली पता है क्या है कि अब ये मौसम चेंज हो रहा है, फरवरी अब जो आ गई, अब तो गई यार, आज 29 है आई थिंक, गई फरवरी तो ये मार्च आ रहा है, तो इसमें मौसम चेंज हो रहा है, कभी गर्मी कभी सर्दी। तो इसी वजह से लोगों को वायरल ज़्यादा हो रहा है अभी। और जब मौसम चेंज होता है तो मोस्टली वायरल लोगों को होता ही है। तो ये संदेश है कि अब हमारा मौसम चेंज हो रहा है और गर्मियाँ आने वाली हैं। मैं आप सबको एक बात और बताने वाली थी कि आज पता है हमें जम्मू जाना था, आज हमारी ट्रेन थी और टिकट्स हमारी हो चुकी थी कंफर्म। और पर हुआ क्या कि हिताक्षी के एग्ज़ाम आ गए, तो इस वजह से हम नहीं जा पाए। मुझे इस बात का बहुत ही गिल्ट है, दुख हो रहा है कि काश हमें, क्योंकि एक साल से ज़्यादा हो गया मैं जम्मू, हम मोस्टली ना हर साल जाया करते थे, पर इस बार हमारा हो ही नहीं पा रहा वहाँ का जाना। और मम्मी पापा भी नहीं जा पा रहे हैं। टिकट लगभग 20 से 25 लोगों की टिकट्स हुई थी, मेरी छोटी बहन, तो भी मैंने बताया था आपको कि वो, उसके हस्बैंड जो है वो रेलवे में इंजीनियर हैं, तो वो वहीं से टिकट हमारी हो जाती हैं। पर वो लोग जा रहे हैं, वहाँ से कुछ और भी जा रहे हैं, वो मोस्टली टिकट्स कैंसिल हो गई हैं। कुछ ना कुछ किसी का एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है ना इसीलिए, और बहुत से लोग बीमार हैं वायरल की वजह से, तो वो नहीं जा पा रहे। तो हमारी तो बच्चों के एग्ज़ाम की वजह से टिकट हुई है कैंसिल, तो क्योंकि 4 तारीख का एग्ज़ाम है, 3 को हमें वापस आना था। ये रिशु आ गई अपनी कॉपी लेने के लिए। रिशु बोल रही, मैं छत पे से आई हूँ, मुझे ब्लर दिखाई दे रहा है, आंखें मीट रही थी अभी। ये जिप खुली है बैग की, जिप लगा लो। कोई बात नहीं, मैं अभी आ रही हूँ ऊपर, ठीक है? ओ तो आज मम्मी, मेरा भाई, मेरी बहन और उनके हस्बैंड, वो सब लोग जा रहे हैं, अमित है उनका नाम, तो वो सब लोग तो जा रहे हैं और हम आज नहीं जा पा रहे। हम देखो नेक्स्ट टाइम अपना टिकट जल्दी से कन्फर्म कराएंगे, रिजर्वेशन करवा के फिर जाएंगे। बहुत इच्छा है मेरी, बहुत ज़्यादा, बस ऐसा हुआ कि इसी कारण हम नहीं गए, बट नेक्स्ट टाइम पक्का जाएंगे। और गाइस एक बात और है, जिसे माता रानी बुलाती हैं वही जाता है, तो जिसका बुलावा था, जो लोगों को जाना था वो लोग गए, हम लोग अब अगली बार के लिए जाएंगे। हे गाइस वेलकम बैक। तो अभी हम नहा धो के हो गए सब लोग फ्री, अब बच्चों को लगी थी भूख, तो मुझे एक चीज याद आई कि मुझे आजकल ना एक हैक चल रहा है पानी वाली पूड़ियां, तो मेरा ही मन कर रहा था मैं भी बना के देखूं पानी वाली पूड़ियां कैसे बनती हैं। तो आओ, मैंने कढ़ाई में देखो रख दिया है पानी, ये रखा है पानी, और अभी मैं फ्लेम कर देती हूँ ऑन, ये हो गया ऑन, और अब बनेगी पानी वाली पूड़ियां। तो आप भी देखना कैसी पूड़ी बनती है, क्या है सच्चाई। ये ली लोई, इसका बना लिया हमने छोटा सा पेड़ा। तो यहाँ रेडी हो रही है लोई, अब मैं छोटी छोटी ये लोई बनाकर पूड़ी सेकूंगी। हाँ देखो कैसी बनती है। मम्मा आपको क्या लगता है, पास होगा? आई थिंक सो। अब तो गाइस ये पूड़ी बनके हो गई रेडी, ठीक है, अभी पानी को गर्म होने में लगेगा टाइम, तब तक मैं एक ही पूड़ी बनाऊंगी। वैसे पता नहीं कैसी बनेगी, इसलिए ज्यादा आटा वेस्ट करना सही कह रही हो। तो एक पूड़ी बना के देखें कैसी बनती है। तो बने रहिए आप हमारे साथ हमारे आज के नए ब्लॉग में, पानी वाली पूड़ी का ब्लॉग। मम्मा ये हो गया गरम? हाँ इसमें बॉईल तो आना स्टार्ट हो गया है, एक बार बुलबुले छूटने लगे। रिजू भी आ गई है देखने के लिए कैसी बनती है, तो आई थिंक मुझे डाल देना चाहिए पूड़ी। तो गाइस ये पूरी और ये जा रही है देखो पानी के अंदर, ये गई। क्या हुआ मम्मी? देखो कैसे पकती है ये, ये पकेगी, ये तो फिश बन गई, ये पकेगी, कुछ तो होगा। ये तो फिश बन गई, ये देखो स्टार्ट होगी पकना। अरे सच में ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा फिश, तो बढ़िया पक रही है।
फिश लग रही है मुझे। चल तैर रही है ना पानी में। हाँ ये सोचा नहीं था बन जाएगी। फिश बन रही है ये। अरे वाह क्या तैर रही है पानी में। ये सही क्या है? ये सही हो चाहे नहीं हो मुझे पता नहीं कैसी लगी खाने में, लेकिन मतलब देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है। इसे बबल्स में तैर रही है ये। मम्मा अगर ये बड़ी टेस्टी हुई ना तो हम कहीं टेस्टी नहीं होने वाली है। क्यों पकी कैसे कहाँ से कोई ऑयल वॉयल कुछ है? आटे कच्चे से आटा खाते नहीं है वो आटे वैसा लगेगी शायद। देखते हैं क्या होता है। पक रही है धीरे धीरे करके है वो पानी वाली काली काली सी नहीं हो रही। कहाँ से हो रही है? यीशु आपको क्या लगता है बन जाएगी पूड़ी? हाँ देखने में इतनी अभी पलटने में भी हो रही है। पलटू कैसे इसे? चम्मच के ऊपर इसको करो ऐसे पलट तो अगर कुछ पके वगैरह तो पता चले। मुझे दिखाओ मुझे दिखाओ ये बटन खोल खोलो देखो पलट गई ना। पलट तो गई पर लेकिन इस साइड भी ऐसी हो रही है देखना। वो भी लगेगी जैसे वो हुआ ना वैसे ही हो जाएगा। वैसे देखने में तो काफी अच्छी लग रही है ना। हाँ ये देखो कैसे आ गई। मैं भी अपने बेटा मुझे भी चुना है। रुको अरे इशू क्या है इसी को है ना। एक दो दस तो गाइस इसका कुछ भी नहीं हो रहा। ये पूरी ऐसी की ऐसी रहेगी। ये देखिए इस तरीके से मतलब ऐसी होगी जैसे जेली नहीं होती है कुछ जेली टाइप में हो गई है ये। ये देखो ये रही खा के देखो मम्मी एक बार कैसी लगेगी फालतू। ये देखो खा के तो देखो आप। तो यही हमारी पानी वाली पूड़ी। मम्मी तो ये पूड़ी तो बिल्कुल जेली जैसी हो गई है इसे खाए इसीलिए ना मैं इस वाली पूड़ी के बाद इसको ना एक काम करती हूँ। ये एकदम बिल्कुल जेली लग रही है जैसे बच्चों की वो नहीं आते आम पापड़ वगैरह आते हैं बिल्कुल वैसी लग रही है। तो मैं इसको इस पर फ्राई कर लूंगी हल्का सा सेक लूंगी ऐसे ही थोड़ा सा मुझे भी दे दो। हाँ बिल्कुल फिर खा के बताना कि आप सबको कैसी लगी। ओके ओके मम्मी। गाइस अभी आए अचार वाले भैया मैं काफी दिन से नहीं याद कर रही थी। बहुत अच्छे अच्छे अचार लाते हैं टेस्टी तो हम लेते हैं अचार। हरी मिर्च का और एक देना आम का था। आम का अलग आंवले का अलग मूली का अलग और लाल मिर्च का अलग। ना ना खाली एक आम का अचार देना एक मूली वाला और एक हरी मिर्च। हरी मिर्च छोटी वाली का। हाँ छोटी छोटी और लहसुन का। लहसुन का भी है ना। तीन तरीके के अचार लिए हैं। ये है आम का अचार ये है मूली का ये है मिर्च का। रिशु आप कौन सा खाती हो? बनाने का ज्यादा अच्छा है। अच्छा गाय वो जो पूड़ी बनाई थी हमने पानी वाली फिर मैंने उस पूड़ी को ठंडा करके और फिर सेक लिया था घी में सेक लिया था इसे। ये देख सकते हो इतना सा ही टुकड़ा बचा बाकी मैंने खा लिया है। इतना क्रिस्पी लग रहा था खाने में ये मैं खा रही हूँ। अच्छा लगा टेस्टी। रोज की तरह डॉक्टर साहब ने स्टार्ट कर लिया अपना आज का प्रोग्राम। नमस्कार सर जी इधर देखो। हाय हेलो तो कर दिया करो। हम थोड़ा सा आराम कर रहे हैं फिर मिलेंगे अब। और गाइस आराम मैंने कर लिया था मुझे बहुत तेज नींद सी आ रही थी थोड़ी देर सो ली थी। और अब रिशु का आया है ऑर्डर उन्हें चाहिए पराठे तो उनके लिए बना रही पराठे क्योंकि अचार आज मैंने ले लिया था तो आम के अचार के साथ उन्हें खाने हैं पराठे। चलिए उनको बना के देती हूँ। पराठे बन के रेडी हो गए बच्चों के लिए और बच्चों ने अंदर बैठ के खा भी रहे हैं। और ये मैं बना रही हूँ अब इन्हें रोटी तोड़ना चालू कर दिया। इसे चूरमा बोलते हैं। रोटियाँ जो बच गई थी ना मेरी कल की कल परसों की कुछ वैसे बचती नहीं है और बाई चांस बच गई रोटियाँ तो इनका मैं चूरमा बनाऊंगी। इसमें बूरा मिला के और घी मिला के और लड्डू बना दो इनके अच्छे से बहुत टेस्टी लगते हैं। फिर तो गाइस जैसे कि हमारे पास रोटियाँ बच जाती हैं जैसे आज की रोटी बच गई या कल की रोटी तो इस रोटी को हम क्या करेंगे पहले इसे टुकड़े में काट लेंगे फिर उसे हम इतना ऐसे लेंगे और फिर दोनों हाथों से लिया और इसे हमने ऐसे रगड़ा हथेलियों के इससे देखो इस तरीके से ऐसे करके थोड़ा पास दिखाना ये देखो फिर ये बारीक बारीक बुरादा से निकल कर आता है ना ये वाला ऐसे हो जाएगा ये बस कुछ ना भी इस तरीके का बुरादा बन गया है ना। अब इसमें अपने अंदाजे के अनुसार हम बूरा मिला देंगे। बूरा जैसे पानी छोड़ता है तो उसे भी थोड़ी ये पकड़ेगा लड्डू बनाने के लिए फिर उसमें घी मिला देंगे। मैं दिखाती हूँ आपको प्रोसेस
अब जैसे मैं जिस हिसाब से आप लोग मीठा खाना पसंद करते हो उस हिसाब से आप बूरा इसमें मिला सकते हो। हम लोगों को थोड़ा ज़्यादा मीठा अच्छा लगता है, हम लोग चाय भी अच्छी मीठी पीते हैं। बस आ जाओ खाना खा लिए, पराठे खा लिए। हाँ। इसमें हम डाल रहे अभी घी, वो घी ना थोड़ा जितना ज्यादा डलता है ना उतना ज्यादा अच्छा लगता है। वैसे तो मैं अभी गरम करके डालो ना तो ज्यादा बेटर रहता है। चूरमा 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 वाले लड्डू, बस पहले भी मैंने काफी डाल दिया था, ये लास्ट में मैं दिखा रही हूँ आपको थोड़ा सा, क्योंकि मैं भूल गई थी, मैं आपको दिखा दूँ इसमें घी भी डालना होता है इसलिए। तो इसमें मैं अच्छा खासा घी डाल दिया था। टेस्ट कर सकते हैं? हाँ। अच्छा इसमें ना फिर हम चाहे ड्राई फ्रूट भी डाल लो अपना, अगर आपको ड्राई फ्रूट डालने हैं, नारियल का बुरादा डालना है, थोड़ी सी इलायची और भी कोई ड्राई फ्रूट थोड़ा पीस के डालो इसमें ग्रिंड करके, और भी अच्छा लगता है। हम डालेंगे? हम तो नहीं डाल रहे हैं अभी, मैं तो इसे ऐसे ही बना रही हूँ। अच्छा ये लड्डू इस टाइप के बन के रेडी हो जाएंगे हमारे, तो आप खा के देखना बहुत टेस्टी लगते हैं। मैं खा लूं? हाँ। यम्मी। अच्छा लग रहा है। ये ताक सी दाल ले आई है, उड़द साबुत उड़द और राजमा, ठीक है कल को बनाऊंगी मैं इसे सुबह में। इसमें क्या है, बड़ा पाव। चलो अब हम इंजॉय करेंगे बड़ा पाव। कल से पड़ी हुई यहाँ पे, और ये डॉक्टर साहब हमारे करवाया हेयर कट। तेल लगा लिया क्या आपने वालों में? मसाज करवाई थी, बढ़िया है। हमारा तो बहुत महंगा रहता है यार साहब, हमारा करते हैं बहुत महंगा, तुम्हारा तो सस्ते में निपटा दें। अब मैं इनको भिगो देती हूँ जिससे कि सुबह उठकर जल्दी से बच्चों के लिए बना सकूँ राजमा। और ये रख दी है चाय बनने के लिए, बच्चे भी थोड़ी दूध मिला के पी लेंगे, और पापा जी सब लोग के लिए हो जाएगी नाइट टी। तो फटाफट से काम करें ख़त्म। तो ये रख दिए मैंने भिंगो कर, अब इसे ढक देती हूँ बस। बर्तन भी लगा दूँगी अभी, पहले चाय बन जाए उसके बाद। और लड्डू बस तीन बचे हैं, इतने लड्डू बनाए थे मैंने उनमें से, बहुत ही टेस्टी लड्डू बने, बढ़िया। अभी मैं करा रही हूँ रिशु को कल के टेस्ट की थोड़ी सी प्रिपरेशन, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास, पहले से ही काफ़ी टाइम हो गया है और रात ज़्यादा हो गई है। और ये भी पापा जी के पास से ज़बरदस्ती बुलाई है मैंने, वहाँ से आ नहीं रही थी अभी भी, बाबा तो सो गए होंगे। चलो रिशु लो, मम्मी को जल्दी जल्दी व्लॉग। हाँ सप्ताह में ना कौन कौन से दिन होते हैं उनके हिंदी में नाम लिखने हैं, ठीक है वो कल टेस्ट में आएगा आपके। रविवार होता है? हाँ रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शनिवार, बुधवार के बाद बृहस्पतिवार या फिर गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ओके। और 251 से लेके 300 तक आपकी फॉरवर्ड काउंटिंग आएगी, ओके। 251 से लेके और 300 कितना होता बताना, 250 बिटवीन कितनी काउंटिंग होंगी, 49, 51 से लेके, ठीक है ना, तो 50 लगभग, ठीक है रिशु। तो आप कल फॉरवर्ड काउंटिंग कर दोगी ना अच्छे से? मैं फॉरवर्ड काउंटिंग तो से आती है। तो गाइज यहाँ मैं अभी बच्चों को पढ़ा रही हूँ और फिर उसके बाद इन्हें दवाई देनी है। और आज का ब्लॉग मैं यही खत्म करती हूँ, कल मिलूंगी आपको एक नए ब्लॉग के साथ। तो ब्लॉग अगर पसंद आया हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। बाय, हैव अ नाइस डे।